सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। स्वागत है। आप लोग ऐसे ही अपडेट देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में जो कि होने वाला है सारा विलेगस के बारे में। तो इनका तो मैंने आप लोग को काफी पहले फिजिक अपडेट दे दिया था। इन्होंने अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट से किया था बैक का, एंड आप लोग इनकी बैक की करंट कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली फॉलो करते हो या फिर देखते हो वीडियोस को, तो गाइस आप लोग को पता हो कि इनका अपडेट देते टाइम मैंने आप लोग को बताया था कि ये पिछले ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर मिस्टर ओलंपिया भी रह चुकी है। एंड इस साल इनका सेकंड अटेम्प्ट मिस्टर ओलंपिया के अंदर। एंड आप लोग ये कंडीशनिंग का देख के तो अंदाजा लगा ही सकते हो कि भाई अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी अपना मिस्टर ओलंपिया अपने हासिल कर ही लेंगे। बाकी गाइस, मुझे तो इनसे पूरी उम्मीद है। आप लोग क्या थॉट्स है आप लोग कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हो। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि होने वाला है ब्रायन एंसली के बारे में। तो आप लोग इनका बैक का फिजिक अपडेट देख सकते हो जो कि इन्होंने रिसेंट में शेयर किया था। एंड भाई इनकी जो कंडीशनिंग है बैक की वो तो आप लोग को देखने को मिल रही होगी जबरदस्त। बाकी इनकी बैक में जो क्रिसमस ट्री है वो भी आप लोग को इजीली विजिबल हो रहा होगा। साथ साथ आप लोग इनके क्वाड्स की भी कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड गाइस, इमेज के रिफ्लेक्शन में अगर आप लोग इनका देखोगे फ्रंट बॉडी का अपडेट, तो भाई इनके शोल्डर एंड जो इनके ऑब्लिक्स एंड एब्स है वो भी भाई आप लोग को टॉप नॉच कंडीशन में देखने को मिल रहे होंगे। बाकी की भाई अभी मिस्टर ओलंपिया ज्यादा दूर नहीं है, 15 दिसंबर को स्टार्ट होना है मिस्टर ओलंपिया। एंड भाई आज 6 दिसंबर हो चुकी है। बाकी देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस करने वाले हैं मिस्टर ओलंपिक के स्टेज पर। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि होने वाला है रवि चौधरी के बारे में। तो इन्होंने भी अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट शेयर किया था जिसमें आप लोग इनके शोल्डर की कंडीशनिंग को देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ भाई इन्होंने अपना बैक का भी फिजिक अपडेट शेयर किया था जो कि बैक की कंडीशनिंग भी आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोग इनके बैक ड्रैप्स की कंडीशनिंग भी देख सकते हो। एंड बाद बाकी जैसे आप लोगों को पता हो कि रवि चौधरी अपने ऑफ सीजन में एंड गेनिंग फेस कर रहे हैं। बाद बाकी देखते हैं भाई नेक्स्ट वो कौन सा होने वाला है इनकी तरफ से। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि निकल के आ रहा है भरत सिंह बालिया भाई के बारे में। तो भरत सिंह बालिया भाई का रिप्लाई आ चुका है भाई साहिल खान के लिए। एंड काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं भाई जब से साहिल खान ने इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया। एंड साथ साथ भरत सिंह बालिया ने काफी ज्यादा जो भाई हैं वो भी काफी नाराज हो रहे हैं। बाद बाकी आप लोग देखो कि भरत सिंह वाले ने क्या रिप्लाई किया कि भाई उड़ते क्यों फिर रहे हो जगह जगह से, रैली होगी इतनी बड़ी, जरा वहां पे रुकते तो सही, भाग क्यों रहे हो आगे आगे। देखो इंतजाम किया हुआ है इस महीने की 21 तारीख तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। दूसरी बात, जो पोस्ट मैंने करी है उसमें तुम्हारी सच्चाई लोगों को दिखी है। तू बोलता है कि मेरे पास काम धंधा नहीं है, मेरे को कोई काम नहीं है, स्पेशली पूरी की पूरी टीम तुम्हारी सिर्फ मीम्स बनाने पे लगी है भारत सिंह वाले को बर्बाद करने के लिए। मैं जहाँ जाता हूँ ना, लोग कहते हैं कि आपके ऑडियंस का आपके साथ ऐसा क्या कनेक्शन है कि आपके लिए वो जान देने के लिए रेडी होते हैं। समझ रहे हो ना, तुम्हारे मिलियंस काम नहीं आएंगे। जो हिंदू एकता तुम्हें दिखनी है वो दिखेगी, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। मैंने सिर्फ एक मिशन शुरू किया है जिसमें मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ आने वाले समय के लिए, उनको बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन तुमने इल्यूमिनाती को ज्वाइन करके ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में तुम्हारा पाला कौन सा है, और तुम्हारे सामने मैं तो फिर खड़ा ही हूँ, और तुम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाओगे। जितने शैतान पूजने हैं पूजो, जितने ब्लैक मैजिक जादू टोना जो तुम्हें करना है करो, जब तक राम जी का नाम मेरी जुबान पे है तुम्हारा कुछ चलने नहीं वाला। और 2 लाख खर्चो, 3 लाख खर्चो, 10 लाख खर्चो मेरी डिफेमेशन पे, मैंने फैंस नहीं मैंने फॉलोअर्स कमाए हैं। और आने वाले समय में यानी कि 2023 में जो तुम्हें ये घमंड है तुम्हारे पैसे का, वो घमंड भी तोड़ के फिर तुम्हें तोड़ेंगे, सीधा नहीं तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि होने वाला है भुवन चौहान के बारे में। तो भुवन भाई ने भी भाई रिप्लाई कर दिया है साहिल खान को, जो कि साहिल खान ने बोला था कि उन्होंने 8 डेज के मील एंड स्टे की रिक्वेस्ट करी थी, उसको लेकर रिप्लाई किया था। बाकी की आप लोग कल की वीडियो को देख लेना, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड देखो भुवन भाई ने क्या रिप्लाई किया था साहिल खान को। I'm not a broke athlete from India. No, I didn't. I didn't request anything from him. I don't need anything from him. I don't need shit from him or his company. I make enough on my own. Because he just wants to advertise himself, use my name. I'll be very happy to return his price.
I don't need his price. I'm not one of those broke athletes that he sponsors. When you're giving a price, make sure you give the price right. There's no, I didn't need the price, you gave the price. Just like how I've won other shows and I got prizes, this is just another prize. So आज के सिर्फ इतने अपडेट्स थे। अगला कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो बॉडीबिल्डिंग इंडस्ट्री रिगार्डिंग ऐसे लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप लोग बॉडीबिल्डिंग अपडेटेड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।